वही संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण के उन 5 उपदेशों के बारे में जो उन्होंने मरने से पहले लक्ष्मण जी को दिए थे। दोस्तों 25 अक्टूबर 2020 को पूरा देश दशहरे का पर्व मनाएगा। दोस्तों दशहरे के ही दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। वहीं हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार माना जाता है अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण बहुत ही पराक्रमी इंसान था। ऐसा कहा जाता है कि अगर विभीषण रावण का भेद नहीं बताता तो भगवान श्री राम को उसे मार पाना बहुत ही कठिन था। बता दें कि रावण शस्त्र के साथ साथ कई शास्त्रों का गहरा ज्ञान भी जानता था और इसलिए उसे प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी का नाम भी दिया गया था। रावण जो था वह अपने ज्ञान और बाहुबल के अहंकार में इतना चूर हो चुका था कि उसने खुद का सर्वनाश कर बैठा कि उसने खुद का सर्वनाश कर लिया। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। गौरतलब है कि रावण जब अपनी मरणशैया अवस्था में थे तब भगवान राम ने लक्ष्मण से यह बात कही कि इस संसार से नीति राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लूं जो कोई नहीं दे सकता। बस फिर क्या, भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणास्त्र अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर बैठ गए। लक्ष्मण काफी समय तक रावण के सिर के पास खड़े रहे लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। बस इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और फिर भगवान श्री राम से सारी बातें कही। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और बस उसके पैरों के पास जाकर खड़े हो गए। यह वही समय था जब महापंडित रावण ने लक्ष्मण को ऐसी 5 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी साबित हुई। तो आगे बात करते हैं हम 5 उपदेशों के बारे में जो कि इस प्रकार हैं। पहला उपदेश, किसी भी इंसान को यह भूल से भी नहीं समझना चाहिए कि उसका शत्रु उससे कमजोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझ बैठते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। दूसरा उपदेश, आप चाहे कितने ही बलशाली क्यों ना हो पर गलती से भी खुद के बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जान लें कि घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ डालता है। तीसरा उपाय, हम सभी सच्चे दोस्त व परिवार के लोग हमारे हर बुरे समय में साथ निभाते हैं, इसलिए ये गांठ बांध लें कि इंसान को हमेशा अपने हितेशियों की बातें मान लेनी चाहिए क्योंकि कोई भी हितेशी अपनों का बुरा कभी भी नहीं सोचता है और ना ही कुछ बुरा चाहता है। चौथा उपदेश, सबसे धनी इंसान वह कहलाता है जिसके 1000 नहीं पर 1 सच्चा दोस्त जरूर से हो। यह बहुत जरूरी है कि हमें शत्रु और मित्र की पहचान करनी आनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं। और जिसे हम पराये समझते हैं असल में वही हमारे अपने होते हैं। इसलिए हर बार दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी कोई निर्णय लिया करें। वही रावण का 5वां उद्देश्य, पुरुषों का मन बहुत ही चंचल होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी इंसान को पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप भी रावण द्वारा बताए गए इन 5 उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक खुशहाल जीवन का आनंद उठाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।